दिल्ली के भजनपुरा में एक ही परिवार की हत्या के सनसनीखेज का मामला पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक शुभम के फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रभु चौधरी के रूप में हुई है, जो कि बिहार का रहने वाला है। दरअसल इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा वारदात वाले मकान से बदबू आने पर हुआ। बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा मकान में बाहर से ताला लगा था। ताला तोड़कर पुलिस ने घर में प्रवेश किया तो अंदर का नजारा देखते ही पुलिस के हाथ पैर फूल गए। तुरंत मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। भजनपुरा इलाके में एक घटना हुई थी, एक हादसा हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले थे। इसके बाद हम लोगों ने इसमें मौका मुआयना करने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और इन्वेस्टिगेशन के लिए डीसीपी नॉर्थ ईस्ट की लीडरशिप में और एडिशनल डीसीपी सुकांत वल्लभ और बाकी जितने भी इलाके के अफसर हैं और स्पेशल स्टाफ की टीम को इसमें लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इतनी सारी टीमें एक साथ प्रेस की गई थी और जितने भी अवेलेबल क्लूज हैं उन सब पे लगातार काम किया गया और जिसकी वजह से हमने इस मामले को 24 घंटे के अंदर में सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक इन तस्वीरों में जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है ये वही हत्यारा है जिसने महज 30,000 की लेन देन को लेकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी ने मृतक शंभू से 30,000 रुपए उधार लिए थे। उन रुपयों को शंभू लगातार वापस मांग रहा था, जिसके कारण मृतक शंभू की पत्नी ने आरोपी प्रभु के साथ बदतमीजी भी की थी। इस बात का बदला लेने के लिए आरोपी ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। जो इसमें अक्यूज्ड है वो इनका रिश्तेदार है, प्रभु मिश्रा उसका नाम है, और जो अभी तक सीक्वेंस हम लोगों को इस्टेब्लिश हमने किया है वो इस किस्म से है। 3 फरवरी को दिन में 3:30 बजे के आसपास जो अक्यूज्ड प्रभु मिश्रा है, इसने शंभु मिश्रा को बताया कि कुछ पैसे की बाबत डिस्कस करना है तो तुम लक्ष्मी नगर, प्रभु चौधरी अक्यूज का नाम है, तो उसने कहा कि आप लक्ष्मी नगर आ जाओ और वहाँ पे हम लोग कुछ पैसे की बाबत डिस्कशन हमें करना है। तो जो शंभु मिश्रा है वो लक्ष्मी नगर अपना चला गया और इन द मीन टाइम जो हादसे की जगह है जहाँ पे ये डिसीज्ड फैमिली रहती थी वहाँ पर अक्यूज पहुँचता है और उस वक्त शंभू की जो वाइफ है सुनीता वो अकेले थी और सबसे पहले इसने उसका मर्डर किया। 30,000 रुपये इसने उधार ले रखे थे शंभू से और उस अक्यूज का ये कहना है कि इस बात को लेकर जो सुनीता थी उसने उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाई, दोनों के बीच में कोई झगड़ा सा हुआ और उसके बाद इसने उस गला दबाकर उसको मार दिया और वहाँ पे एक आयरन इम्प्लीमेंट था उससे भी इसके ऊपर वार किया। इसके बाद कुछ देर के बाद जो छोटी बेटी थी कोमल वो पहुंची वहाँ पे घर पे, इसने उसको अंदर बुलाया और उसके बाद फिर उसके ऊपर उसी आयरन इम्प्लीमेंट से अटैक किया उसके हेड पे और उसके बाद उसकी भी हत्या कर दी। इस तरीके से इसके बाद जो डिसीज्ड फैमिली में जो बेटा था शिवम वो पहुंचता है कुछ देर के बाद, उसको भी उसने अंदर बुलाया घर के और उसकी हत्या की। उसके बाद जो छोटा बेटा था सचिन वो पहुंचता है, उसको भी उसने घर के अंदर बुलाया और उसकी हत्या की। इस तरीके से इसने परिवार के 4 लोगों की हत्या की। अराउंड 7:30 के आसपास फिर इसकी शंभू से बात होती है और शंभू और ये वहीं पे एक गामरी गांव है वहाँ पे बैठकर कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे शराब पीते हैं। शंभू को ये नहीं मालूम था कि इस बीच में इसने इस किस्म के कांड को अंजाम दिया है। उसके बाद करीब 11 बजे रात में फिर दोनों पहुंचते हैं भजनपुरा वापस और वहां पे फिर दोनों अंदर गए हैं, घर के अंदर गए हैं और वहां पे फिर लास्ट में इसने शंभू मिश्रा का कत्ल किया है। पुलिस ने भले ही इस मामले को 24 घंटे में सुलझाकर हत्यारे को सलाखों के पीछे भेज दिया हो, मगर इस जघन्य हत्याकांड ने पूरी दिल्ली को दहला दिया है। प्रिंस सोलंकी के साथ गौरव रावत, तेज निगाहें दिल्ली।
रेडियो चैनल।